तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे ट्राईवे कि ट्राईवे का क्या यूज़ है और इसे हम क्यों देते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम ट्राईवे को लगाते क्यों। ट्राईवे को हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें किसी भी पेशेंट, जैसे कोई बर्न पेशेंट है, उसकी स्किन पूरी जल गई है, तो उसको हमें आरएल बहुत जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके चले गए कि 6 घंटे में उनको 10 बोतल 500 ml की आरएल देनी है, तो एक कैनूला से तो ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लगा देते हैं ट्राईवे। तो ट्राईवे से क्या होती है, 2 बोतल एक साथ कनेक्ट हो जाती है, तो उससे क्या जल्दी जल्दी उसमें जाता है। पर बहुत सारों को बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि ट्राईवे को कनेक्ट कैसे करते हैं और किस डायरेक्शन में इसका फ्लो चलता है। तो आज हम समझेंगे कि ट्राईवे का कैसे रहेगा। तो फिलहाल में अभी हमारे पास बोतल तो है नहीं, तो हम इंजेक्शन से बताएंगे कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है और किस तरीके से कैनोला में फिट होगा। तो सबसे पहले हम ट्राईवे को निकालते हैं। तो जिस तरह की देखा हमने, ट्राईवे में 3 वॉल्व है, 1 2 3। अब हमें सबसे पहले देखना, ये तो हमें हटा देना है। अब जो हमारी ये रहेगा स्क्रू जैसा जो घूम रहा है, ये स्क्रू रहता है, वही मोस्टली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ये स्क्रू कैसे लगता है, कि स्क्रू इसमें लगता है। तो सबसे पहले जो हमारे कैनूला, जैसे ये अभी मैं निकाल देता हूँ, जैसे ये कैनूला हमारी वेंस में लगा है, तो सबसे पहले हमें स्क्रू लगाना कैसे, सबसे पहली बात ये रही। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि जैसे पेशेंट्स के ऐसे कनेक्टेड रहेगी, तो इसको अपने क्या करना है, इससे अटैच करना है और इस स्क्रू को डायरेक्ट कस देना, कोई इतना वो नहीं, बस ये हमारा स्क्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ये लग गया हमारा ट्राईवे। अब हमें देना, ये तो जैसे कि मेरी वेंस में लगा हुआ है, अब हमें देना है इन 2 डायरेक्शन से। तो कौन से डायरेक्शन से कैसे चलता है, कि ये कब इधर जाएगा, ये कब चालू करना है, ये कब चालू करना है, कैसे क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम तो इनके दोनों के वॉल्व खोल देना। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि कौन सा अभी ट्राईवे चल रहा है। सपोज़ अगर मेरे को ये बंद रखना है और ये चालू करना है, या फिर ये चालू करना और ये बंद करना है, तो कैसे क्या करना है। तो मोस्टली सबको यही कन्फ्यूजन रहेगा। तो अब हम इससे इंजेक्शन के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे कि मैंने ये सपोज़ मेरी 2 बोतल हो गए। अब सबसे पहले जो ये डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन फ्लो का मतलब होता है कि जैसे एक सीधी, जैसे मतलब ये सीधी है, ये सीधी है, मतलब ये सीधी डायरेक्शन जाएगी और ये यूँ होकर ये यूँ सीधी हो रही है, मतलब ये ऐसे। अब जैसे सपोज़ ये हो गया ऐसे, तो हमारी कौन सी डायरेक्शन बन गई, सीधे जाके इधर हो गई, मतलब ये हमारी डायरेक्शन बंद हो गई। देख रहे हैं आपको, जैसे ये डायरेक्शन सीधे चले गए, है ना। उसी तरह अगर हमें ये बंद करना और ये चालू करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो इससे ये डायरेक्शन चालू हो जाएगी और ये बंद हो जाएंगे। अब इसे हम देखते हैं, जैसे ये देखिए, जैसे हमने देखा तो ये हमारा ये डायरेक्शन चालू है, और इसे हम करेंगे तो ये हमारी लॉक हो गई। अब इसी तरह हम अगर इसको इस प्रकार कर देंगे, तो हमारी ये वाली डायरेक्शन चालू हो जाएगी, जैसे ये वाली, और हमारी ये वाली लॉक हो जाएगी। तो यही हमने देखा कि कौन सी डायरेक्शन कब चलेगी। अगर फ्लो, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, तो अब हमारी दोनों स्टार्ट एक साथ हो जाएगी। जैसे सपोज इसको दबाऊंगा ये भी काम कर रही है, और इसको दबाऊंगा तो ये भी काम करें। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि हमें किस डायरेक्शन में कैसे क्या उसको स्टार्टअप करना रहेगा। अगर हमें एक ये वाली ही चलानी है, तो हमें कैनूला इस प्रकार से ये बंद हो जाएगा, ठीक, और ये हमारी ये एक ऑन हो जाएगी और ये लॉक हो जाएगी। और अगर हमें ये चलानी है, तो हमें इसको ऐसे कर देना, तो जिससे ये हमारी लॉक हो जाएगी और ये हमारी ऑन हो जाएगी। अब मोस्टली सबको ये सोचते हैं कि कैनूला को बंद कैसे करके जाते हैं, मतलब कि अगर हमने चलो इधर की भी आई वी हटा दी और इधर की भी आई वी हटा दी, तो सब तक कहना रहेगा कि अगर कैनूला को इस प्रकार कर दिया तो ये बंद हो गया, ये तो ऑन रहेगा। तो इसको लिए मैं मोस्टली हमें क्या करना रहेगा कि जो हमारी जो ढक्कन होते हैं, इसको एक साइड लगा दो और एक साइड बंद कर दो, सिंपल। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से कैनोला को फिट करे जाते हैं और ट्राईवे हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें इसको जल्दी फ्लूड पेशेंट को देना होता है। ठीक है।